Hello everyone and welcome back to the study space. It's a one-stop destination for comprehensive CBSE modules, practice sessions, quizzes, and much more. Today's session, class tenth, is very important. Today we will continue with diversity in living organisms. It's a very important topic for 9th class, and if you choose biology in class eleven, then again you will have to study this in greater detail. Now, since this was a slightly long chapter, I had divided it, this into four parts. एंड दिस क्लास इज पार्ट फोर आई होप आपने पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पढ़ लिया है इफ नॉट देन आव लिंक दोज इन द डिस्क्रिप्शन डू चेक दम आउट आई ट्राई माई बेस्ट की मैं आपको कॉन्स्टेंट पेस पर पढ़ाऊं एंड बाय सिंप्लीफाइंग ऑल द कॉन्सेप्ट एज वी गो बाय तो विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहली चीज जिस पर हम फोकस करेंगे दैट इज फाइलम कॉर्डेटा हमने पिछली क्लास में फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस करा था दिस इज द फाइलम नंबर इलेवन इसके फीचर्स हैं कि फाइलम कॉर्डेट्स में हमें बाइलेट्रल सिमेट्री देखने को मिलती है ये ट्रिपलो प्लास्टिक है यानी कि इनमें तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट है इनमें सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड गिल्स आर प्रेजेंट एंड एट सम फेज ऑफ देयर लाइफ जैसा कि एम्फीबियंस में देखने को मिलता है एक डोर्सल

एग्जाम्पल आप इसका एम्फी याद कर सकते हैं वर्टिब्रेटा में नोटोकॉड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है बट द डिफरेंस इज के नोटोकॉड को रिप्लेस uh, कर दिया जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट स्टेजेस और टू थ्री या फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट हमें फिशेज में देखने को मिलता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स में एंड हार्ट हमें और क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन उनमें देखने को मिलता है इनमें ऑर्गन जैसे कि किडनी प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड पेयर्ड अपेंडिजेस भी प्रेजेंट होती हैं तो अब हम प्रोटोकॉर्डेट्स के फीचर्स को जरा डिटेल में देखते हैं सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Organ level of है थ्री लेवलेशन जो की फाइलम नंबर सेकेंड से हमने देखना स्टार्ट करा था सब में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था एंड देन आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलग अलग ऑर्गन बने हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो प्रोटोकॉडेट में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ये ट्रिपलो है यानी कि इनके पास में तीनों लेयर्स प्रेजेंट है तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है एक्टोडर्म नीसोडर्म और एंडोडर्म इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ ये बाइलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं इनमें सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम प्रेजेंट है एंड ऑर्गन्स जो हैं वो यहां डेफिनेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं एसीडिया या हर्डमेनिया सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है देर आर हाईली डेवलप्ड टिश्यूज एंड सेल्स में तीनों जॉमलेयर्स प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक प्रोकॉडेटा अपर लेयर एंड इनर लेयर और जो मीजोडर्म है वो भी प्रेजेंट होते हैं यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये बाइोलिट्रली सिमेट्रिकल है द डिफरेंस की प्रोकॉर्डेट में सेगमेंटेशन नहीं होती वर्टिब्रेटा में हमें सेगमेंटेशन देखनी पड़ रही है या सेगमेंटेशन होती है बॉडी कैविटी या सिलोमिया प्रेजेंट होता है वेल well डिफाइंड होता है ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स बर्ड्स फिशेज इनकी अदर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है एम्ब्रियनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम एंड इनके जो internal skeletal muscles होती होती हैं at और इनके पास में एक hollow nerve cord जो है है वो भी इंटरनलोड अलग चीज होती है नर्व कॉर्ड अलग चीज होती है नर्व कॉर्ड जो है वो डॉसली प्रेजेंट होती है और होलो होती है इन द अपर साइड ऑफ द बैक आप इस चार्ट से देख सकते हैं

टिश्यू लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है अब आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो हमें बचे सारे फाइलम्स में देखने को मिलता है अब हम उन्हें क्लासीफाई कर देंगे इन टू ए सिलोमेट्स एंड सीलोमेट्स ए सिलोमेट ए मतलब एबसेंट जिनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है और सीलोमेट्स जिनके पास में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो ए सीलोमेट्स में हमारा थर्ड फाइलम आ जाता है प्लेटी हेलमेंट्स और फोर्थ फाइलम विच इस नेमेटोड इनके पास ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है बट बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है जबकि फाइलम फिफ्थ विच इज एनेडा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम मोलस्का और फाइलम एकाइनोडमेटा इनके पास ऑर्गन इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है बट बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है उसके साथ में तो उसके बाद आते हैं कॉर्डेटा पे कॉर्डेटा यानी कि वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलती हैं ये पांच क्लासेस क्लास स्पाइसेस एम्फीबिया रेप्टीलिया और आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं तो इनका कंपैरिजन आप इस टैब्युलर फॉर्म में देख सकते हैं पाइसेस वाटर में रहते हैं एम्फीबियंस वाटर एंड लैंड पे रहते हैं रेप्टीलिया भी वाटर एंड लैंड पे एव्स आल्सो वाटर लैंड एंड एयर बिकॉज दे कैन फ्लाई एंड मेमेलिया भी लैंड और वाटर में रहते हैं कैन यू नेम अ मैमल दैट इनहैबिट्स वाटर जो पानी में रहता हो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वेल वेल इज अ मैमल और उसके साथ साथ प्लेटिपस प्लेटिपस भी मैमल्स हैं और वो वॉटर uh, के आसपास रहते हैं अब आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कंपैरिजन फिशेज में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबियंस में यंगर uh, जो स्टेजेस होती हैं तब गिल्स होते हैं और फिर अडल्ट में लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स एव्स मतलब बर्ड्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए हार्ट फिशेज में टू चैम्बर्ड होता है एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है वो है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है एव्स यानी कि बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है अगर हम इनकी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो यानी कि फिशेज कोल्ड ब्लडेड हैं और एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है कोल्ड ब्लडेड से आप क्या समझते हैं यानी कि अगर बाहर का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनका अंदर का बॉडी टेम्परेचर भी उसके साथ साथ चेंज हो जाता है जबकि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो अपना अंदरूनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं बाहर अगर सर्दी भी है तो भी हम अपना एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर करके रखते हैं ना 37 सेवन डिग्री सेल्सियस तो हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं नेक्स्ट आ जाता है यंग वंस फिशेज जो है, वो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय लेइंग एग्स एम्फीबियंस भी अपने एग्स ले करते हैं बट इन द वॉटर रेप्टाइल्स अपने एग्स ले करते हैं लैंड पर बर्ड्स भी एग्स ले करते हैं मैमल्स में एग्स नहीं ले करते हैं मैमल्स गिव बर्थ टू यंग बेबीज यंग वंस इसमें एक्सेप्शन आ जाती है प्लेटिपस और एचिडना ये दोनों के दोनों एग्स ले करने का काम करते हैं दीज आर द टू मैमल्स विच आर एक्सेप्शन ये एग्स ले करने का काम करते हैं स्किन की अगर बात करें तो फिशेज में स्केल्स होते हैं एम्फीबियंस को स्लाइमी एकदम स्लाइमी बनाने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स उनकी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में भी स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा स्केली बॉडी होती है एव्स यानी कि बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और मैमल्स में मैमल्स की बात करें तो हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑयल स्वेट ग्लैंड्स ये सब प्रेजेंट होते हैं स्किन पर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो फिशेस क्योंकि उनको स्विम करना होता है तो जैसे जस, कि आपने देखा होगा सभी फिशेस की एक स्पेसिफिक शेप होती है आगे से नैरो बीच में से थोड़ा सा वाइड एंड देन फिर पीछे से नैरो तो ये स्विम करने में आसानी हो इसके लिए होता है तो इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी तो फिशेज की स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है और मैमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फॉर द चिल्ड्रन सो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स जो कि देखने को मिलते हैं और एग्जाम्पल्स दीज आर ऑल द कॉमन एग्जाम्पल्स दैट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू नेक्स्ट इज दिस कंपेरिजन यहां पर भी वही कंपेरिजन बिटवीन फिशेज एम्फ्यूवियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स दे रखा है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विथ दिस टैब्युलर फॉर्म आप यहाँ से so you, आप नोट डाउन कर लीजिए बट दीज टेब्युलर फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो आई हाईली एडवाइज यू आप इन्हें नोट कीजिए यहाँ से रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा मूविंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोलॉजी में टू मार्क का या फोर मार्क का क्वेश्चन कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बीच में आपका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है तो यहाँ पॉइंट सारे के सारे इन्यूमरेटेड हैं आपके सामने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये एन्वायरमेंट जो इनकी चारों तरफ एनवायरमेंट इनको सराउंड कर रहा है उससे हीट ऑप्टेन करते हैं ये हीट ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड दे ईट देयर बॉडी टेम्परेचर कैन वैरी एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर यानी कि जैसे जैसे एनवायरमेंट का सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होते चले जाता है जबकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थर्टी फाइव टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस की रेंज में भले ही बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो रेगुलेट हीट इन देयर बॉडीज बाय चेंजिंग कलर्स और बाय बीइंग इन द सनलाइट अब ऐसा है ना कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो ऐसे तो डेथ हो सकती है ऐसे ऑर्गेनिज्म की तो इसके साथ डील करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं या तो ये अपना कलर्स का का कर चेंज uh, करने का काम करते हैं डार्कर कलर्स ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर सके या फिर सनलाइट में सनबेद करने का काम करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस और अडेप्टिव मैकेनिज्म जैसे कि हाइबरनेशन में चले जाना बेर्स जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं स्वेटिंग हम सब स्वेट करते हैं और स्वेटिंग से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल cool डाउन हो जाता है तो यहां इस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड एग्जांपल्स आपके सामने हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं फिशेस रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स अब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यहां पर मैंने सब आपके लिए डिफाइन किया है सब कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर यानी कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन्स ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर इज अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स दिस आर ऑर्गेनिजम्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर एग्जाम्पल है फ्रॉग फिशिज एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है फिशेज की जब हम बात कर रहे थे स्पाइस की आई डिड नॉट डिस्कस इट विद यू फिशेज हैव बीन डिवाइडेड इन टू टू ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्केलेटन फिशेज जिनके पास एक बोनी स्केलेटन होता है उनका स्केलेटन बोन से बना होता है उन्हें बोनी फिशेज कहते हैं एग्जाम्पल टूना जिनका कार्टिलेट से बना होता है स्केलेटन उन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं एग्जाम्पल शार्क शार्क से कार्टिलेजिनस फिश

मस्क्युलर टेल भी प्रेजेंट होती है ताकि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट आसानी से हो सके इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इनका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है ये एग्स ले करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए अब फिशेज बोनी भी हो सकती है यानी कि बोनी स्केलेटन भी हो सकता है इनका या ये कार्टिलेजिनस भी हो सकती हैं जैसे कि शार्क नेक्स्ट इज द सेकेंड सुपर क्लास विच इज टेट्रापोडा टेट्रापोडा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास चार लिम्स होती है फॉर लोको मोशन हिन्स द नेम टेट्रापोडा टेट्रापोडा को अब चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है एम्फीबिया रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स तो सबसे पहले एम्फीबिया से स्टार्ट करेंगे एम्फीबिया दे आर अडेप्टेड टू लिव बोथ इन वॉटर एंड लैंड इनके पास म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्किन पे जो कि इनकी स्किन को स्लाइमी और मॉइस्ट करके रखने का काम करते हैं ताकि इनकी स्किन ड्राई अप ना हो जाए रेस्पिरेशन गिल से करते हैं जब ये पानी में होते हैं पानी से बाहर जब ये लैंड पर आ जाते हैं तो लंग से रेस्पायर करने का काम करते हैं इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स टॉट्स सैलामेंडर एक्सेट्रा रेप्टीलिया की अगर बात करें तो ये क्रॉलिंग एनिमल्स है क्रॉल करने का काम करते हैं हमने वैसे तो कहा कि टेट्रापोर्स के पास फोर लिम्स होती हैं तो अब आप कहेंगे कि स्नेक्स के पास तो एक भी लिम नहीं होती है स्नेक क्यों टेट्रापोर्ट में तो स्नेक इज एन एक्सेप्शन हर जगह एक्सेप्शन आपको जरूर मिलेगी और ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो आपको याद रखने होते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सो so, रेप्टाइल्स टेट्रापोर्ट में ही आते हैं यानी कि लिम्ड एनिमल्स में आते हैं बट इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि स्नेक्स रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है दैट इज कवर्ड विद स्केल्स एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टीलियंस उनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है द ओनली एक्सेप्शन जो की मैंने आपके सामने मैंशन की थी वो है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल का फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है दे डोंट नीड वॉटर टू ले एग्स ये लैंड uh, पर एग्स ले करने का काम करते हैं क्योंकि इनके एग्स का जो शेल होता है वो काफी हार्ड होता है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर स्नेक्स लिजर्ड्स क्रोकोडाइल्स टर्टल्स एटसेट्रा नेक्स्ट है एव्स यानी कि बर्ड्स बर्ड्स की अगर बात करें तो द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स इनकी जो फोर लिम्स यानी कि आगे वाले जो दो लिम्स होती हैं दे हैव एक्चुअली बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है दे आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स फोर चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है एंड बोन्स इनकी होलो होती हैं न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ताकि वजन कम हो और ये फ्लाई कर सकें ऑल ऑफ द बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास लास्ट इज मेमेलिया मेमेलिया जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक फीचर है कि इनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है मैमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फीमेल्स ताकि वो अपने यंग वंस को मिल्क फीड कर सकें उनको नर्चर कर सकें मैमल्स में द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेट पसीना प्रोड्यूस करते हैं एंड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं नाउ मोस्ट एनिमल्स वीवी पैरस होते हैं यानी कि वो एग्स नहीं ले करते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस बट कुछ ओवी पैरस होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल है प्लेटिपस एंड एचिडना अब मैमल्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके सामने हॉर्स ह्यूमन चिमपैजी लायन एचिडना प्लेटिपस एट्सेट्रा ये आप सबके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट दिस डाउन बट प्लीज इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए

ऑल्सो डोंट फोर्गेट टू लाइक एंड शेयर दिस हिट द बेलाइकन ताकि जब भी स्टडीज पर न्यू लेस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले प्लीज डो टेल मी इफ यू लाइक दीडियोज इफ देर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं मैं क्लास लू एंड यू कैन पोस्ट यूर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल ऑफ दट्स इट गुड बायस